फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन के ऊपर अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने में केवल एक महीना टाइम बचा हुआ है और अभी से सेल का सारा कुछ जो है ऑफर्स वगैरह निकलना शुरू हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन है जैसे कि S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा, ये तीनों फोन हमें किस प्राइस पे इस सेल में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहा था कि आप आईफोन के बारे में तो बता रहे हैं लेकिन यहाँ पे सैमसंग फ्लैगशिप का क्या, जो कि हमें सेल पे किस प्राइस पे मिलेगा उसके रिलेटेड आप वीडियो बनाएं। सैमसंग फ्लैगशिप फोन के ऊपर लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें प्राइस जो आया था वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्राइस आया था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग S23 सीरीज का सारे फोन्स का प्राइस बताऊंगा और लगभग वो 95% आपका डेफिनेटली एक्यूरेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग लास्ट ईयर ट्रेंड को फॉलो करें तो S23 सीरीज का जितने भी सारे फोन है उसको आपको सेल पे देखने को मिलेगा अमेजोन के ऊपर, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि S23 सीरीज का जितने भी सारे फोन है सबका जो सेल होगा वो आपको अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं S23 सीरीज का सबसे जो स्मॉलेस्ट फोन है जो कि है S23, उसका प्राइस इस साल आपको क्या देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल अगर आप लोग फ्लिपकार्ट के ऊपर या तो अमेजोन के ऊपर इसका प्राइस देखोगे तो लगभग 70 से लेके 75,000 के आसपास प्राइस है, लेकिन यही प्राइस आपको बिग बिलियन डे सेल के टाइम पे अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के टाइम पे अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे 46,000 का। और 46,000 में S23 जो फोन है वो काफी ज्यादा अच्छा फोन है क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8th Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको IP68 का रेटिंग भी देखने को मिलता है, सुपर एमोलॉयड आपको डायनेमिक डिस्प्ले देखने को मिलता है, कैमरा रिजल्ट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल जो ये फोन है लगभग आप आईफोन 13 के कंपैरिजन में ला सकते हो, और आईफोन 13 के कंपैरिजन में इस फोन को अगर स्टैंड आउट किया जाए तो एंड्रॉयड दुनिया में ये सबसे बेस्ट फोन होगा इस प्राइस में। और अगर आपको इस साल S23 परचेज करना है तो लगभग 46,000 अगर आपके पास बजट होगा तो आप लोग डेफिनेटली इस फोन को परचेज कर पाओगे। नेक्स्ट फोन की अगर बात करें तो वो है S23 प्लस, और ये S23 जैसा ही फोन है, हर एक फीचर आपको S23 जैसा ही दिखेगा, केवल इसका स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलेगा 6.6 इंच का। साथ ही साथ अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो इनिशियली S23 में आपको 3900 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जबकि S23 प्लस में आपको 4700 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल फोन का सारा स्पेसिफिकेशन जो है वो S23 ही जैसा है। इसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ओवरऑल हर एक फीचर जो S23 में है इसमें भी वही आपको सेम फीचर देखने को मिलता है, केवल यहाँ पे स्क्रीन साइज बड़ा है और बैटरी आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। और ये फोन भी करेंटली अगर देखा जाए फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर तो लगभग यहाँ पे 80 से लेके 90,000 के बीच देखने को मिलता है, लेकिन अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के टाइम पे यही फोन आपको लगभग 55,000 का देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी S22 प्लस जो फोन था वो भी आपको देखने को मिला था लगभग 55,000 के आसपास, इसलिए आपको इस बार भी S23 प्लस का जो फोन होगा वो भी देखने को मिल सकता है 55 से लेके 56,000 के बीच में, और इस प्राइस रेंज में ये भी एक एंड्रॉयड दुनिया का बहुत ही एक बेताज बादशाह कहलाएगा। और इस फोन में जितने भी सारे फीचर्स है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर है और इस प्राइस में आपको शायद ही किसी और फोन में देखने को मिलेगा। S23 प्लस फोन का डायरेक्ट जो इस बार टक्कर होगा वो होगा आईफोन 14 प्लस के साथ। तो अगर आप लोग चाहते हो S23 प्लस के साथ आईफोन 14 प्लस का मैं एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस वीडियो को बहुत ही जल्दी अपडेट कर दूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन है इस साल का एंड्रॉयड दुनिया का वो है S23 अल्ट्रा, और S23 अल्ट्रा में भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि S23 में है, केवल यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज और बड़ा देखने को मिल जाता है, 6.8 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है, बैटरी आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अपग्रेड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा 5000 mAh का, कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, यहाँ पे आपको मेन सेंसर जो देखने को मिलेगा वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें आप मून का भी यहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सबसे जो यूनिक बनाता है S23 अल्ट्रा को सारे S23 सीरीज फोन में, वो है इसका एस पेन। केवल आपको इस फोन में एस पेन देखने को मिल जाता है, और इतना सारे फीचर्स के साथ ये फोन अभी अगर आप लोग देखोगे फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन के ऊपर तो लगभग आपको 1 लाख से लेके 1,05,000 के बीच देखने को मिलता है। लेकिन सेल के टाइम पे यही प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा और लगभग आपको S23 अल्ट्रा जो देखने को मिलेगा वो 70,000 से लेके 75,000 के बीच देखने को मिलेगा। और इसी फोन का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनेगा वो बनेगा आईफोन 14 प्रो के साथ। आईफोन 14 प्रो का प्राइस सेल में आपको 90,000 के बीच देखने को मिल सकता है, जबकि ये वाला फोन आपको लगभग 70,000 से लेके 75,000 का देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइस में S23 अल्ट्रा देखने को मिल जाता है तो ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस होगा। हालांकि ये जो मैं प्राइस बता रहा हूं ये अभी तक ऑफिशियल प्राइस नहीं है, और जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को प्राइस बता दिया वो सारे प्राइस आपका बेस्ट वैल्यू है, मतलब इससे नीचे नहीं आएगा, इससे आप 2-3 हजार ऊपर ही कंसीडर कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास कार्ड वगैरह होगा जिस कार्ड के ऊपर ऑफर आएगा तो लगभग आपको इतने ही प्राइस में ये सारे फोन देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना, और अगर आपको एंड्रॉइड में फ्लैगशिप फोन लेना है तो आप कौन सा फोन के लिए कंसिडर करोगे ये भी आप लोग कॉमेंट करके बताना। बाकी अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।